भाई, जगम भाई, आज की डेट में जो माहौल चल रहा है, ऐसे दौर में अगर फिल्म बनाना है बहुत बड़ी बात है। और ये जो सब्जेक्ट है, जगम भाई ने जो सब्जेक्ट उठाया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। मैंने प्रोमो देखा है इसका और टीम के कुछ लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, और मैंने मुझे कहानी बताई और सब लोग, सारे एक्टर्स लोग अपने दोस्त हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर जगम भाई एंड विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम सो हैप्पी दैट इज फाइनली फिल्म इज रिलीजिंग एंड इट्स वेरी गुड डे एंड वेरी गुड टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू टीम। पिक्चर का मैं सिर्फ शाहरुख के लिए, आज मैं खुद बिजी थी, मैं आज बाहर निकलूंगी पिक्चर। स्त्री देखे, स्त्री भूत बन गया है। हाँ विजय भाई, डरो क्या, भूत बन गया, सपने में आएगी स्त्री, आई। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि शाहरुख भाई जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिन्होंने नोटबुक के डायलॉग्स और स्क्रीन पे लिखा है, तो एनीथिंग एसोसिएटेड विद हिम वी लव वॉचिंग बिकॉज ही इज़ वेरी एंटरटेनिंग इवन रियल लाइफ। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हिम अगेन। या डेफिनेटली, और आई थिंक ये फिल्मिस्तान शाहरुख का एक रिटर्न है, और आई थिंक जहीर मेरे लिए फिल्मिस्तान बहुत स्पेशल है बिकॉज नितिन सर की पहली पिक्चर है एंड सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। So to watch three of them collaborate again, it'll be lovely. जी बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और आई एक्चुअली आई सॉ इट एंड आई कॉल्ड शाहरुख भाई इमीडिएटली टू टेल हिम हाउ मच आई लाइक्ड इट बिकॉज इट वाज नॉट अ मुरावत थिंग। उन्होंने बोला देख लो, फिर मैंने हमने देख ली और हाँ बहुत अच्छी थी, जनरली इतनी पसंद आई, तो वी आई ट्राई टू कॉल इमीडिएटली एंड टेल हिम हाउ मच आई लव्ड इट। जी पता नहीं, अभी देखिए क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट है उसको लेके, तो बहुत सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटी इज द ओनली सब्जेक्ट, सबको लगा के नोटबुक भी वही सब्जेक्ट में, तो वैसे उठा नहीं, तो देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है। या तो थॉट है। थैंक यू वेरी मच, आई एम चिपिंग सम। थैंक यू। कैसे बढ़िया, आज फिल्म की स्क्रीनिंग है एंड कल रिलीज है और कई सारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो टीवी के हो या आपके सपोर्ट में हैं। जी हाउ वाज द फीलिंग? मैं बस फीलिंग में यही कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं कि ऊपर वाले ने ये दिन दिखाया
और साथ ही इतने अच्छे लोग, इतने सारे लोगों का सपोर्ट है जो मेरी खुशी में शामिल हुए हैं, क्योंकि आदमी की पहचान तभी होती है जब आपके गम में शामिल होता है या आपकी खुशी में शामिल होता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मेरे साथ इतने लोगों का साथ है। दूसरे, फिल्म का इनिशियल रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। कल जितने भी लोगों ने क्रिटिक्स में देखी है तो इनिशियली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कल जब ऑडियंस के लिए ओपन होगी तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। ना एक्साइटमेंट ना नर्वस, बहुत नॉर्मल हूँ, जैसा रहना चाहिए इंसान को, ज़मीन पे रहना चाहिए, वैसा ही हूँ। बस थोड़े कपड़े बेहतर पहन लिए रोज़ से, थोड़े से बेहतर, बाकी सब कुछ रोज़ जैसा ही है जी। अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारा शुक्रिया मीडिया के दोस्तों का, बहुत सारे लोगों जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही दिल से सपोर्ट किया लोगों ने इस फिल्म को, और जो मैसेज जाना चाहिए था वो मैसेज हमारा आगे तक गया। और इनाम ने कहा कि इनिशियल रिस्पॉन्स, इनिशियल से मुझे लगता है एक कदम आगे का रिस्पॉन्स है। मोस्टली आज के क्रिटिक्स की बात करेंगे, मोस्टली 3 स्टार है, 3+ पे हम हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। सारे बड़े लोग जो अभी हैं फिलहाल, आज जो रिव्यूज़ आए हैं कल के प्रेस शो के, 3+ स्टार हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बहुत सारा सबका शुक्रिया जो आए यहाँ पे फिल्म के प्रीमियर पे, स्वागत है उन सारे लोगों का। मुझे लगता है देखिए दो चीज़ें होती है, पहचान होती है किसी भी फिल्म की इस बात से कि क्रिटिक्स उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने कहा ना कि 3+ हैं रिस्पॉन्स में, आपने भी देखा होगा बहुत अच्छे रिव्यूज़ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से क्रिटिक्स ने इसको स्वीकार किया है और इसके बारे में तारीफें की हैं, वैसे ही पब्लिक भी अच्छा कहेगी इसको। अरे भाई बाइट तो करना, अभी जागना है, सोने सोने बोल रहे। ये सब फेसबुक है भाई, सब ट्विटर है भाई, आइए। अरे यार साला एक बाइट, सब बाइट हो गई। पूछो హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం? యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.